वैसे दोस्तों एक टाइम हुआ करता था जब 10,000 रुपये की प्राइस में अच्छे स्मार्टफोन नहीं आते थे, लेकिन इस टाइम पर 10,000 रुपये की प्राइस में टाइप सी पोर्ट, बिग बैटरी और लार्ज डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, और 10,000 रुपये की प्राइस में भी इस टाइम पर ऐसे बहुत सारे मार्केट में फ़ोन अवेलेबल है जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 6 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि 10,000 रुपये की प्राइस में आते हैं, और इस टाइम पर ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल के स्मार्टफोन है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सारे ही कंपनी के स्मार्टफोन बताने वाला हूँ। तो आप किसी भी कंपनी के फैन हैं, आपको डेफिनेटली एक स्मार्टफोन तो पसंद आ ही जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जब फ्रेंड्स वीडियो चालू करेंगे हम लोग यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ, पहले मैं आपको बताऊंगा 6वें नंबर का स्मार्टफोन, और बाद में आपको बताऊंगा 1वें नंबर का स्मार्टफोन जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट स्मार्टफोन है। और दोस्तों लिस्ट चालू करेंगे सबसे 6वें नंबर स्मार्टफोन की तरफ, जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है इन्फिनिक्स का S5। इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच की पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। बैक में आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 16 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस लो लाइट सेंसर दिया गया, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कितने मेगापिक्सल का है। साथ ही साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा भी काफी ज्यादा कमाल का है, 32 मेगापिक्सल की आपको इसमें सेल्फी देखने को मिल जाती है, 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको हीलियो का P22 प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्राइस 4GB 64GB वाली की रखी गई, वो 8999 रखी गई है। अगर आपके लिए प्रोसेसर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है तो आप डेफिनेटली ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कैमरे काफ़ी ज़्यादा कमाल के दिए जाते हैं, और डिस्प्ले तो आपको पता ही है पंच होल है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों जो 5वें नंबर पे स्मार्टफोन आता है मेरी लिस्ट में, वो आता है टेक्नो कैनोम 12 एयर। ये स्मार्टफोन कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है इस टाइम पर। मैं आपको बता दूं कि इसके जो स्मार्टफोन होते हैं वो ऑनलाइन नहीं मिलते, ऑफलाइन स्टोर पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 6.65 इंच की पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इन्फिनिक्स S5 में मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 16 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट की बात करूं दोस्तों, यहां पे तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पंच होल डिस्प्ले में ही दिया गया। प्रोसेसर इसमें आपको इन्फिनिक्स S5 वाला ही देखने को मिल जाता है, हीलियो का P22 आपको देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में भी। बैटरी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स S5 जैसी ही देखने को मिल जाती है, 4000mAh की देखने को आपको मिल जाती है। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 4GB 64GB वाले की रखी गई है, वो 9999 रुपये रखी गई है। 10,000 रुपये की प्राइस में आपको टेक्नो का कैनोम 12 एयर स्मार्टफोन देखने को आपको मिल जाता है, जो कि आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमने टॉप स्मार्टफोन जो कि 15,000 रुपये की प्राइस में आते हैं उस पर एक वीडियो बनाई है, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देखें और देखें उस वीडियो में मैंने आपको कौन से स्मार्टफोन बताए जो कि 15,000 रुपये की प्राइस में सबसे अच्छे स्मार्टफोन है। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में अगला स्मार्टफोन आता है वो आता है 4वें नंबर पर नोकिया का 6.1 प्लस। इस स्मार्टफोन में आपको 5.8 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बैक में डुअल कैमरे देखने को मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी देखने को आपको मिल जाता है। बैटरी इसमें आपको थोड़ी सी कम दी गई, 3060mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 636 वाला चिपसेट देखने को आपको मिल जाता है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और जरूर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और हाँ दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो कि 10,000 रुपये की प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। और हाँ दोस्तों शेयर अभी से कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं शेयर करना। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में अगला स्मार्टफोन आता है वो आता है 3rd नंबर पर Realme 3 Pro। जी फ्रेंड्स,
थ्री नंबर पे आता है तो थ्री प्रो ही आता है जी हाँ फ्रेंड्स। इसमें आपको जो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है वो 6.3 इंच की देखने को मिल जाती है। बैक में इसमें भी आपको डुअल कैमरे देखने को मिलते हैं 16 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का, जो कि आपको नोकिया में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे इसका फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है, 25 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट देखने को मिल जाता है। बैटरी इसमें आपको 4045 mAh की देखने को आपको मिल जाती है। रही बात दोस्तों यहाँ पे इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट देखने को आपको मिल जाता है, जो कि आपको पता है काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। और दोस्तों इस फोन की जो प्राइस 4GB 64GB वाला बेस वेरिएंट, उसकी प्राइस 9999 रुपये, मतलब 10,000 रुपये की प्राइस में अगर आप ढूंढ रहे हैं अच्छी सेल्फी वाला स्मार्टफोन और जिसका प्रोसेसर भी काफी ज्यादा कमाल का हो, तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपके लिए बना है। आप Realme 3 Pro को कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने आपको स्मार्टफोन बताए हैं सभी के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग का M30। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे दोस्तों एक बात तो है, सैमसंग का M10, सैमसंग का M20 और सैमसंग का M30, ये तीनों ही स्मार्टफोन मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तो सैमसंग के M30 का सक्सेसर भी निकल के आ गया, इसका नाम है सैमसंग का M30S। उस मोबाइल के बारे में भी हमने आपको उस वीडियो में बताया, जिस वीडियो में आपको बताए हैं टॉप स्मार्टफोन जो कि 15,000 रुपये की प्राइस में आते हैं, उस वीडियो में हमने इस मोबाइल के बारे में बताया है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं सैमसंग के M30S के बारे में तो जा करके उस वीडियो को चेक कर लेना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सैमसंग के M30 के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। बैक में आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 13 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ उसके साथ फ्रंट कैमरा है, उसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को आपको मिल जाती है। बैटरी लार्ज आपको देखने को मिलती है, 5000 mAh की देखने को मिल जाती है। और दोस्तों आपको इसके प्रोसेसर से थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एक्सिनोस का 7904 वाला चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। रही बात दोस्तों प्राइस की, तो 3GB 32GB वाले जो इसकी बेस वेरियंट की प्राइस है वो 9999 रुपये, मतलब 10,000 रुपये की प्राइस में आता है। 10,000 रुपये की प्राइस में अगर ढूंढ रहे कोई सुपर एमुलेट स्क्रीन वाला स्मार्टफोन जिसकी बैटरी बड़ी हो, तो सैमसंग के M30 को आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप सैमसंग के लवर हैं तो। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे स्मार्टफोन आता है वो एक ही स्मार्टफोन है, और आपको पता है और एक ही कंपनी बची है, क्योंकि मैंने आपको रियलमी के, सैमसंग के, नोकिया के, सारी कंपनी के स्मार्टफोन बता दिए, एक कंपनी का नहीं बताया है, वो है रेडमी। मुझे पता है आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, रेडमी एक ऐसी कंपनी है, चाहे आप 15,000 रुपये के प्राइस के स्मार्टफोन की बात करो उसमें भी आएगा, 10,000 रुपये के स्मार्टफोन की बात करो उसमें भी आएगा, 5,000 रुपये के स्मार्टफोन की बात करो उसमें भी आएगा, रेडमी का नाम तो जरूर आएगा। ये जो स्मार्टफोन है इसका नाम है Redmi Note 8। जी हाँ फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन में आपको 6.39 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती हो। सबसे एडवांटेज जो है ना इस स्मार्टफोन का वो है इसके कैमरे। इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का देखने को आपको मिल जाता है। बैटरी इसमें आपको 4000 mAh की देखने को मिल जाती है। और दोस्तों हाँ, प्रोसेसर भी आपको इसमें कमाल का देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 665। रही बात दोस्तों इसकी प्राइस की, तो 4GB 64GB वाले इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस है वो 9999 रुपये है। 10,000 रुपये की प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस टाइम पर, जिसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलती है, बैटरी भी अच्छी देखने को मिल जाती है, प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिल जाता है, और क्या चाहिए आपको। चले दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ अपनी राय हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बता के जाएं कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन कौन सा लगा है। कमेंट नहीं करते आप, हमें अच्छा नहीं लगता है, कमेंट करके जरूर से बता के जाना। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आप लुफ्त उठा सकें। मैं आपको फिर मिलूंगा आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड टाइम।